नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, उनको देखेंगे हम। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला अपना है क्या है कि प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी। तो श्रीनिवास ने दी है प्रभु जाति की अवधारणा, वह विषय जो समाज का समग्र रूप से अध्ययन अधिक रूप से करता है, तो वह कौन सा है? तो वह होगा समाजशास्त्र। निम्न में से हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य प्रमुख है? तो धार्मिक कर्तव्य हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। हिंदू विवाह का वह प्रकार जिसमें न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है और न ही संस्कारों की, वह कहलाता है गंधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। गंधर्व विवाह होता है जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं होती और न ही संस्कारों की उसमें क्या होती है, अनुमति होती है, वो होता है गंधर्व विवाह। गरीबी रेखा के नीचे से क्या तात्पर्य होता है? जिसको भी पोषक भोजन नहीं मिलता है तो उसे सरकार क्या मानती है? गरीबी रेखा के नीचे मानता है कि उसको क्या नहीं मिल रहा, खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। समाज एक अवधारणा है, तो समाज एक अमूर्त अवधारणा होती है, क्योंकि मूर्त तो क्या होगी, जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो तो मूर्त हो गई, अमूर्त जिसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता हो। तो समाज एक अवधारणा है, तो समाज को हम महसूस करते हैं, हम बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक अमूर्त अवधारणा है समाज। शहरी क्षेत्रों में कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापदंड है, तो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जो भी जिसको भी 2100 कैलोरी से नीचे प्राप्त हो रहा है वो क्या माना गया है, गरीबी रेखा मानी गई है उन लोगों की जिनको 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिलती हो। एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वेस्टरमार्क ने दिया था एक विवाही सिद्धांत। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित 2 संप्रदाय हैं वो प्रचलित हैं। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के हैं लेखक डेनियल बेल। पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय या नाभिकीय परिवार, जिसमें क्या रहते हो, एक पति पत्नी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हो, उनको कहेंगे केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ माना जाता है 1919 से। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। छोटे बच्चे डॉक्टर की भूमिका अदा करते हैं, यह क्या होता है? तो यह होती है अभिनय की भूमिका, इसे बोलेंगे क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक अभिनय कर रहा है। छोटा बच्चा क्या बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो उसे बोलेंगे अभिनय की भूमिका। ये भूमिकाओं के जो चैप्टर है उसमें आता है ये। जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन है? तो जाति एक बंद वर्ग है वो किसने कहा है, तो मजुमदार एवं मदान ने कहा है। सोरोरेट विवाह है, सोरोरेट विवाह होता है मर्द पत्नी की बहन या विधुर पुरुष के बीच में जो होता है विवाह, उसे बोलते हैं सोरोरेट विवाह। कौन सा समाज वैज्ञानिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के साथ संबंधित है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो का जो सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। बहिर्विवाह को परिभाषित किया जाता है जाति के भीतर और गोत्र के बाहर, जो विवाह होता है ना, जाति के तो भीतर होगा लेकिन क्या होगा, गोत्र के बाहर जो विवाह होता है उसे बोलते हैं बहिर्विवाह। परिवार पड़ोस और मित्र मंडली उदाहरण होते हैं, तो परिवार और आपका पड़ोस और आपकी जो मित्र मंडली है वो प्राथमिक समूह के उदाहरण होते हैं। सच्चर समिति का संबंध होता है, सच्चर समिति है वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखती है। सामाजिक परिवर्तन में भविष्य कथन से संबंधित की विशेषता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन में भविष्य कथन से संबंधित की विशेषता होती है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, हम सामाजिक परिवर्तन में जिस प्रकार से हो रहा है उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। किस जनजाति में भ्रातक बहुपति प्रथा पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है उसमें भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है, कि एक पत्नी के क्या होंगे, भाई जो होंगे वो सभी क्या होंगे, उसके पति रहेंगे, इसे बोलते हैं भ्रातृक बहुपति प्रथा। वर्तमान में हिंदुओं में वैधानिक रूप से वर एवं वधु के लिए विवाह की आयु कितनी है? तो 21 तो है लड़के की और 18 है लड़की की। किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहिन कहा है? तो जादू की अमान्य बहिन कहने वाले हैं फ्रेजर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
परंतु अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कहा है मार्क्स ने, मार्क्स ने वर्ग विभाजन किया बहुत बड़ा, तो मार्क्स ने किया है वर्ग प्राणी बताया मार्क्स ने। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो आर्गबर्न है, उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। पलायन विवाह एक प्रकार का है, जनजाति विवाह को बोला जाता है पलायन विवाह। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत का जी एस घुरिया ने समर्थन किया है, तो जाति के कौन सा सिद्धांत है जिसका जी एस घुरिया ने समर्थन किया है? तो प्रजाति सिद्धांत है, उसको मानते हैं जी एस घुरिया, उसका समर्थन करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार नियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में आया था हिंदू उत्तराधिकार नियम। समाज में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्रांति कहते हैं, तो क्रांति किमवाल यंग इन्होंने कहा है कि समाज में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? क्रांति कहते हैं। तो ये कहने वाले थे क्रांति किमवाल यंग। एक शिक्षक जब पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सफलता असफलता के भावनात्मक असंतुलन का अनुभव करता है, तो समाजशास्त्र में वह किस अवधारणा का उदाहरण बन जाता है? तो वो बन जाता है भूमिका तनाव का। समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1838 में, और इसमें पढ़ाया कब गया था? 1919 में समाजशास्त्र इंडिया में। सामाजिक समस्याओं का कारण है, सामाजिक समस्याएं किस वजह से आते हैं? तो सामाजिक नियमों से कानूनों का उल्लंघन करने से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घुरे ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हैं, अन्य सभी भारत में समाजशास्त्री हैं। किसने कहा है? तो ये हैं ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई ने बताया कि घुरे क्या है? एकमात्र भारतीय समाजशास्त्र, इन्होंने घुरे के आगे क्या लगा दिया? भारतीय समाजशास्त्री, बाकी सब क्या है? भारत में समाजशास्त्री हैं, ये कहा है ए.आर. देसाई ने। नेक्स्ट आता है, देखो यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को हम क्या कहा जाता है? तो जाति कहा जाता है, जिसमें यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक हैं, तो समाजशास्त्र में जो प्रकार्यवाद चला रहा है उसके जनक माने जाते हैं स्पेंसर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र एक आत्मनिर्भर विज्ञान है। एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंद्रे बिताई हैं, उन्होंने लिखी है एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर। इटली के उस विचारक का नाम बताइए जिसने प्रकार्यात्मक विचारधारा को स्वीकार किया, तो विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, उन्होंने प्रकार्यात्मक विचारधारा को स्वीकार किया था, इटली के थे ये विचारक। मुताह विवाह का प्रचलन है, तो शियाओं में किया जाता है मुताह विवाह। एकीकृत समन्वित ग्रामीण विकास नामक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो विश्व बैंक ने किया है एकीकृत ग्रामीण विकास अवधारणा का प्रयोग, विश्व बैंक। रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो मजूमदार हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, यह कथन किसका है? तो ये मैक्स वेबर ने कहा था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता थे दुर्खिम। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है एक बहुआयामी। प्रदत्त प्रस्तुति तथा अर्जित प्रस्तुति में अंतर सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति में अंतर करने वाले सबसे प्रमुख थे राल्फ लिंटन। ज्येष्ठ भ्राता की विधवा के साथ विवाह कहलाता है पति भ्राता विवाह। एक सामाजिक वर्ग है, तो एक सामाजिक वर्ग होता है श्रेणी। आधुनिक समाज के पुजारी हैं किसने कहा है? तो आधुनिक समाज के पुजारी ये कहने वाले थे अगस्त कामटे। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, तो ये देने वाले थे दुर्खिम। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था दुर्खिम ने, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था दुर्खिम ने। कामटे ने समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ नाम कौन सा प्रदान किया था? तो सामाजिक भौतिकी नाम दिया था अगस्त कामटे। तो ये किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि सामाजिक भौतिकी नाम देने वाले कौन थे? तो कामटे थे। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो दुर्खिम ने दिया था। आधुनिक समाज के पुजारी कौन है? तो अगस्त कामटे हैं, वो हैं आधुनिक समाज के पुजारी। कामटे के गुरु कौन थे? तो सेंट साइमन थे कामटे के गुरु। सोशियस शब्द की किस भाषा का है? तो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है। समाजशास्त्र शब्द को किस विद्वान ने दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है? तो जे एस मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे आने के चांसेस ज़्यादा है इनमें से, ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें।
जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ समाज है, ये कथन किसका है? तो ये है मेकाइवर व पेज का, कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज तो होता ही है, ये कहने वाले थे मेकाइवर व पेज। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री थे, तो आर के मुखर्जी अपने भारत के प्रथम समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था बम्बई विवि में, सर्वप्रथम समाजशास्त्र पढ़ाया गया था। भारत में समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो भारत में समाजशास्त्र भारतीय समाज का पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अध्ययन, ये इस वजह से भारत में क्या हुआ, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई, क्योंकि भारतीय समाज का पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया, जिस वजह से हमारे क्या ही समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। सामाजिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सामाजिक स्थिति व सामाजिक गतिकी को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। तो एक तो सामाजिक स्थिति होती है, एक सामाजिक गतिकी होती है, उनके बारे में अगस्त कामटे ने बताया है। सामाजिक विकृति तत्वों का अर्थ है, समाज में विकार लाने वाले तत्वों को कहा जाता है सामाजिक विकृतकारी तत्व। सामान्य समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की विषय बताया, तो सामान्य समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की विषय बताने वाले थे दुर्खीम। कारणता का अर्थ है, कारणता होती है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है कारणता, तो इम्पोर्टेंट है कारणता और एक सामाजिक विकृतिकारी तत्व, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है कि सामाजिक विकृतिकारी तत्व किन्हें कहेंगे। समाज में विकार लाने वाले तत्व सामाजिक विकृतिकारी तत्व होते हैं, और कारणता, कारणता का अर्थ होता है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह मानव समाज का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करता है, जिस वजह से हम क्या कहेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक गतिकी का अर्थ क्या होता है? समाज में गति व परिवर्तन लाने वाले तत्वों व कारकों का अध्ययन होता है सामाजिक गतिकी, तो इम्पोर्टेंट है ये भी सामाजिक गतिकी कि समाज में गति व परिवर्तन लाने वाले तत्वों व कारकों का अध्ययन क्या रखा जाता है, सामाजिक गतिकी। नेक्स्ट आता है कि समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो समाजशास्त्र विषय के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुआ था। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को मानता है, विशिष्ट विज्ञान मानता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। गेमाइनशाफ्ट का निर्माण होता है, एक तो गेसेलशाफ्ट होता है, गेमाइनशाफ्ट होता है, तो गेमाइनशाफ्ट का निर्माण होता है रक्त संबंधों व प्राकृतिक इच्छा से निर्मित संबंधों से, गेमाइनशाफ्ट। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारोकी ने लिखी है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं, तो इलोय चिनोय ने लिखी है सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव। समाज के स्वभावी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक हैं रूसो। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा के विकास में योगदान दिया, तो जो उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा के विकास का योगदान देने वाले थे, इम्पोर्टेंट है ये भी, डेनियल बेल, एलेन टोरेन और रेमंड एरन। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा के विकास किसने दिया? डेनियल बेल, एलेन टोरेन और रेमंड एरन ने। कृषक समाज की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो रॉबर्ट रेडफील्ड को माना जाता है कृषक समाज की अवधारणा। इसको ऐसे याद कर लेना, रेडफील्ड, फील्ड कहाँ होती है, जब फील्ड आप कहाँ बनाते हो, कहीं कोई कोई क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो उसको क्या क्या बोलते हैं कि फील्ड है, तो फील्ड कहाँ बनती है, खेत में बनती है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड, कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड। मार्क्स ने भारतीय समाज को किस श्रेणी के समाज के अंतर्गत रखा है? तो एशियाई समाज के अंतर्गत रखा है मार्क्स ने भारतीय समाज को। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में पाए जाने वाले दो वर्ग कौन से बताए? एक तो बजुरुआ बताया, एक सर्वहारा बताया मार्क्स ने पूंजीवादी वर्ग को। उत्तर औद्योगिक समाज के अन्य नाम क्या है? तो उत्तर औद्योगिक, इम्पोर्टेंट है ये, उत्तर औद्योगिक समाज के अन्य नाम, एक तो ज्ञान समाज, एक सेवा समाज, एक आता है सूचना समाज, तो ये आएंगे, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर औद्योगिक समाज के अन्य नाम क्या है। उत्तर औद्योगिक समाज को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो एक तो ज्ञान समाज होता है, एक सेवा समाज होता है, एक होता है सूचना समाज। नेक्स्ट आता है कि द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? तो होम्स ने लिखी है द ह्यूमन ग्रुप। मेकाइवर व पेज ने वृहद समूह का उदाहरण माना है, तो राष्ट्र व प्रांत को माना है मेकाइवर पेज ने वृहद समूह का उदाहरण, तो आपको याद होना चाहिए लघु समूह और वृहद समूह का उदाहरण। हम की भावना के आधार पर समूह के प्रकार हैं, तो अंतः व भारी समूह है हम की भावना के आधार पर समूह के प्रकार, इम्पोर्टेंट है ये भी। किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूहों को मानव संघों के प्रतिनिधि कहा है?
तो किम्बाल यंग है, उन्होंने प्राथमिक समूहों को मानव संघों के प्रतिनिधि कहा है। द्वितीय समूह की विशेषताएं क्या होती है? तो द्वितीय समूह होता है आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है। प्राथमिक समय तो कौन से हो गए? अपना आपका घर हो गया, पड़ोस हो गए और आपके मित्र हो गए। अब आ गया द्वितीय समूह, तो द्वितीय समूह क्या करोगे? आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए आप बनाओगे और स्वार्थ व समझौते की भावना ली हुई होगा द्वितीय समूह। तो आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्मित, विशिष्ट उद्देश्य हेतु निर्मित और स्वार्थ व समझौते की भावना हेतु निर्मित होता है द्वितीयक समूह। द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक के लेखक, सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मर्टन व रोसी, दोनों मर्टन व रोसी दो अलग अलग हैं, इन दोनों ने मिलकर रचना की है द अमेरिकन सोल्जर। पर्दत परिस्थिति के निर्धारक कारक हैं, तो पर्दत परिस्थिति के निर्धारक कारक होते हैं लिंग, आयु और नातेदारी, ये हैं पर्दत परिस्थिति के निर्धारक कारक। जब किसी व्यक्ति के सामने उसी की दो विपरीत भूमिकाएं आ जाएं, तो वह व्यक्ति निम्न में से कौन सी भूमिका का सामना करता है? तो भूमिका संघर्ष का सामना कर रहा होता है उस टाइम वो व्यक्ति, क्योंकि उसके के सामने क्या आ गई, दो विपरीत भूमिकाएं आ जाएंगी। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मर्टन ने लिखी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक व्यवस्था कौन सी दो भूमिकाओं के सामंजस्य पर निर्भर करती है? तो सामाजिक व्यवस्था है वो भूमिका प्रत्याशा व भूमिका पालन के ऊपर निर्भर करती है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी किसी एक ही परिस्थिति में विभिन्न भूमिकाओं का पालन करता है तो यह स्थिति कहलाती है, तो भूमिका प्रतिमान कहलाती है ये स्थिति। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता होती है परिवर्तन की असमान गति, सामाजिक प्रकृति और भविष्यवाणी असंभव, ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ होती हैं। चक्रीय उद्विकास के समर्थक हैं, तो लेस्ली वाइट हैं चक्रीय उद्विकास के समर्थक। समाज द्वारा निर्धारित दिशा व समाज द्वारा मान्य लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ना कहलाता है, तो प्रगति कहलाता है। चुनौती व प्रत्युत्तर के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो चुनौती व प्रत्युत्तर के सिद्धांत के समर्थक है टाइन बी। अपना नेक्स्ट है, पेरेंटो ने समाज में पाए जाने वाले दो वर्ग कौन से बताए? तो पेरेंटो के अनुसार एक तो है बुजुर्गवा समूह अपने समाज में, एक है सर्वहारा वर्ग। किस विद्वान ने जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है? तो सामाजिक परिवर्तन का कारण जनसंख्या वृद्धि है ये मानने वाले थे माल्थस। माल्थस ने यही कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, ये कहा है माल्थस ने। अभिजात परिभ्रमण के सिद्धांत, अभिजात परिभ्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे पेरेटो। उद्विकास के स्वरूप हैं, एक तो समरेखीय उद्विकास, एक होता है बहुरेखीय उद्विकास, एक होता है चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास। तो समरेखीय उद्विकास, बहुरेखीय उद्विकास, चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास होते हैं उद्विकास के स्वरूप। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, तो जाति व्यवस्था कहाँ से निकल के आई है? तो चार वर्ण हैं उनसे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। जाति वंशानुक्रम पर आधारित वर्ग है, यह कथन किसने कहा है? तो कूले ने यह कहा है कि जाति होती है वो जाति वंशानुक्रम पर आधारित एक वर्ग होता है, ये विचार है कूले के। जाति की विशेषताएं हैं, जाति जन्मजात सदस्यता ली हुई होती है, जब भी आप पैदा होते तो आपको जाति क्या मिलती है, अपने उपहार स्वरूप मिलती है अपने माता पिता से, तो जन्मजात सदस्यता होती है। वंशानुगत व्यवसाय होता है, जाति पंचायत होती हैं, तो ये जाति की विशेषता इसके अंतर्गत आते हैं। जाति के व्यवसायिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? कि जाति के व्यवसायिक सिद्धांत के समर्थक है इबेटसन। जाति व्यवस्था का गुण नहीं है, तो प्रजातंत्र का विरोध करना होता है, जाति व्यवस्था का गुण नहीं होता है कि वो प्रजातंत्र का विरोध नहीं करती। हिंदी शब्द जाति की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत की जन धातु से क्या बना है हिंदी, जो संस्कृत का जन धातु है वो ही बना है जाति। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं, जबकि संस्कृत में क्या है, जन है। उबे डुबाए के अनुसार जाति की उत्पत्ति का कारण होता है ब्राह्मण की चतुर्युक्ति। ब्राह्मण की जो चतुर्युक्ति है उसकी वजह से क्या उत्पत्ति हुई है, वो अबे डुबोए के अनुसार जाति की उत्पत्ति हुई है। उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाता है। जब हम एक ऊंची जाति की अपने से ऊपर जो जाति है उसकी जीवन शैली अपना लेते हैं तो उसे बोलेंगे संस्कृतिकरण। वर्ग की विशेषता नहीं है, तो वर्ग जन्म पर आधारित सदस्यता नहीं लेके आता, जाति होती है वो जन्म पर आधारित होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।